ये कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर, एक कोई वायर है प्यारे बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर आर है, इफ लेंथ एंड रेडियस आर डबल, तो क्या होगा उस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक वायर है हम लोग के पास, दिस इज वायर। अब ये जो वायर है, ये वायर, अब ये वायर लेंथ एल का है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो कहता है वायर ऑफ आर, इफ द लेंथ एंड रेडियस आर डबल, देन रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड रेजिस्टिविटी विल बी हाफ। तो रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। रेजिस्टेंस जो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए है, रो एल अपन ए है, और रो जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड, सॉरी रो डज नॉट डिपेंड अपन ज्योमेट्री, डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये रो इस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करने से रो नहीं बदलेगा, रो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसमें बोला रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी जो कि गलत बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टिविटी, बोथ रेजिस्टिविटी रिमेंस अनचेंज्ड, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ये भी गलत है, और या तो ये सही है या तो ये सही है। ये अब नया जो है लेंथ, नया लेंथ एल डैश जो आया, एल डैश वो टू टाइम्स एल आया, नया एरिया क्रॉस सेक्शन टू टाइम्स ए आ गया, तो नया रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपन ए आ जाएगा यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो और एल डैश की वैल्यू टू टाइम्स एल आ गया, और ये टू टाइम्स एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं रेडियस डबल हुआ, तो यहाँ से एक लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रेडियस डबल हो गया, आर रेडियस आर डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स आर, ठीक है। तो ये जो एरिया ए डैश है रो एल डैश और ये पाई आर डैश स्क्वायर, तो कुल मिला के आर डैश की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनलिटी से देखोगे तो एल डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ये तो अगर एल आर डैश अगर देखोगे तो एल डैश टू टाइम्स हो गया, और ये अगर डबल होगा तो फोर टाइम्स आर हो जाएगा, मतलब आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्रोपोर्शनलिटी 1/2 एल अपॉन स्मॉल आर, और एल अपॉन आर स्मॉल आर इज एक्चुअल रेजिस्टेंस, एल अपॉन आर इज एक्चुअल रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, दैट इज ए ऑप्शन गलत है, रेजिस्टेंस बोथ हाफ नहीं होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था, प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था।